राजा वीरभद्र सिंह ने जमीन के साथ जुड़कर राज किया। गरीबों के लिए वह किसी मसीहा से कम नहीं थे। हिमाचल को अलग पहचान दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। वह जो कार्य करने की ठान लेते थे, वह उस कार्य को हर हालत में पूरा करते थे। राजा वीरभद्र सिंह सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते थे। यही वजह रही कि आज वह जननायक के रूप में जाने जा रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा में सभी राजनीतिक सीमाएं टूट चुकी हैं। सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। यह कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेंद्रनाथ सोफत का। महेंद्रनाथ सोफत ने कहा कि वीरभद्र सिंह सच में एक राजा थे, लेकिन वह जमीन से जुड़ी हुई राजनीति ही करते थे। गरीब जनता की सेवा करना उनका पहला लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि यशवंत सिंह परमार को हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है, तो वीरभद्र सिंह प्रदेश को विकसित करने के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो कार्य किया है, वह प्रदेश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि उनके जाने से उनके परिवार, कांग्रेस, प्रदेश और देश सभी को बेहद हानि हुई है। उस हानि को पूरा कभी भी नहीं किया जा सकता है। वहीं प्रदेश का विकास उनके द्वारा दबंगता से किया गया। उनकी कही बात अधिकारियों के लिए पत्थर की लकीर होती थी। अफसरशाही पर उनकी अच्छी पकड़ होने के कारण कभी भी विकास के कार्य रुक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने निजीकरण को कभी बढ़ावा नहीं दिया है। आज की पीढ़ी के नेताओं को उनसे सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह पर कोई भी अफसरशाही हावी नहीं हो पाई। वह जो चाहते थे, अधिकारियों को उनकी बात माननी ही पड़ती थी। अधिकारी उन पर कभी भी दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। उनसे सीख मिलती है कि जो नेता चुनकर आता है, उसकी इच्छा शक्ति पर अफसर शक्ति हावी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चलाई, जिसे देखकर बाद में केंद्र सरकार ने भी वह योजनाएं चलाई, इसलिए वह उन्हें विजनरी नेता मानते हैं। महेंद्र राज सोफत ने कहा कि वो राजा थे, लेकिन वो जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करते थे। वह गरीबों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। आम जनता से मिलना, विशेषकर गरीब आदमी से मिलना, उसकी समस्याओं को समझना और उसका समाधान खोजना उनकी प्राथमिकता रही। हिमाचल प्रदेश की को बनाने में हिमाचल प्रदेश के निर्माता के तौर पर डॉक्टर परमार को जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश को विकसित करने के लिए और इसको वर्तमान शक्ल देने के लिए वीरभद्र सिंह जी को जाना जाएगा। जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी का के बारे में मुझे कहना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योगदान हिमाचल प्रदेश में रहा है, वह अपने आप में हमेशा स्मरण किया जाएगा। और जो उनके जाने से हानि हुई है, उनके परिवार को हानि हुई है, कांग्रेस पार्टी को हानि हुई है, लेकिन प्रदेश को हानि हुई है, देश को हानि हुई है। विकास के मामले में जिस दबंगता से उन्होंने विकास कराया और जो अफसरशाही पे उनकी पकड़ थी, जो अपने समर्थकों के प्रति उनका समर्पण था और प्रदेश की जनता के प्रति उनका समर्पण था, वो अस्मरणीय है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये जानते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग जो हैं, इस क्षेत्र में अगर विकास होना है तो वो सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। उन्होंने कभी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, हालांकि कभी बहुत ज़्यादा इनकर्ज नहीं किया, जैसे निजी विश्वविद्यालय खुले, लेकिन उनके समय में इसको इनकर्जमेंट नहीं दी गई, प्राइवेट अस्पताल नहीं खुले, जो कुछ हुआ सरकारी क्षेत्र में हुआ। दूसरी बात यह है
उनसे ये सीखना चाहिए राजनेताओं को, जो आज के राजनीति के विद्यार्थी हैं या आज की जो पीढ़ी है, उस राजनीतिक पीढ़ी वालों को सीखना चाहिए कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि की विल प्रवेल बहन करनी चाहिए। कभी भी अफसरशाही राजा वीरभद्र सिंह जी के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकती थी, उनको अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा सकती थी। जो चुने हुए प्रतिनिधि चाहते थे विल ऑफ इलेक्टेड पर्सन, वो प्रवेल अपॉन राजा साहब के टाइम में की करती थी, और यही बात आज की पीढ़ी को उनसे सीखनी चाहिए। वीरभद्र सिंह जी के मामले में एक बात आपके मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी की लाइन को क्रॉस करते हुए बिल लाए, हिंदू कन्वर्शन बिल के खिलाफ। हिमाचल पहला प्रदेश था जहां पे ये बिल लाया गया। हिमाचल एक पहला बिल था जहां पे माता पिता पोषण बिल लाया गया, हिमाचल में पहले लाया गया और केंद्र सरकार ने उनको कॉपी करते हुए बाद में ये बिल लेके आया। तो विजनरी नेता माने जाएंगे इस हिसाब से। मैं हिमाचल में डॉक्टर परमार, वीरभद्र सिंह और शांता कुमार को विजनरी नेता मानता हूँ। तो आज IGMC की जो शक्ल सूरत है उसका श्रेय भी अपने वीरभद्र सिंह जी को जाता है। अब उन्होंने चिमाना में उसका पार्ट टू शुरू कर दिया, उसका भी जो श्रेय है उनको जाता है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा में जो उन्होंने किया है उसके लिए हमेशा हमेशा हिमाचल प्रदेश की आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद करेंगी। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।